औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन व सामईन, आपको हारून तनोली का अदब सलाम अर्ज़। नाज़रीन, आज बात करेंगे एबटाबाद शेरवान रोड इंटरचेंज के हवाले से। इसके ऊपर गुज़िश्ता सियासतें होती रही हैं और ये होती रहेंगी। आज इसके अंदर एक पेशरफ्त हुई है जिसकी वफाकी वज़ीर पार्लिमानी उमूर मुर्तज़ा जावेद अब्बासी ने आज इसके ऊपर ब्रीफिंग ली है। नेशनल हाईवे के ज़िम्मेदारों ने आज ब्रीफिंग दी है उनको, इसकी कास्ट के हवाले से, इसकी बनावट के हवाले से और दीगर मुख्तलिफ। आज इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट सरदार नवीद अहमद खान साहब मौजूद हैं। मज़ीद हम इनसे जानेंगे, बात करेंगे, क्योंकि इस इंटरचेंज को पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के सूबाई वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद ख़ान ने भी 20 करोड़ रुपये का ऐलान किया था। वो 20 करोड़ में इसको बनाने जा रहे थे, जबकि इसका तखमीना जो 1.5 अरब रुपए तक है। जी नवीद साहब, आज ये जो मुर्तज़ा जावेद अब्बासी साहब ने ब्रीफिंग ली है, आज तनावल की काफ़ी कसीर तादाद में लोग आए हुए थे, एबटाबाद के इतने नहीं थे जितने तनावल से आए हुए थे, क्या कहते हैं आप इस इंटरचेंज के हवाले से? अरुण तनोली साहब, सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये एबटाबाद और तनावल के आवाम के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। बिल्कुल, क्योंकि जो पिछले 4 साल हैं वो तरीके इंसाफ के जो सूबाई हुकूमत है उसने इसी के ऊपर गुजारे हैं कि हम हजारा को मेगा प्रोजेक्ट दे रहे हैं। और तनोली साहब, जैसा कि आपने देखा है कि आज वहाँ पे NHA की आला हुकाम आए हैं और वफाकी वजीर पार्लिमानी उमूर मुर्तज़ा जावेद अब्बासी साहब भी वहाँ पे मौजूद थे। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो तनावल के लोग थे उन्हें जो ही पता चला कि आज यहाँ पे नेशनल हाईवे की टीमें आ रही हैं, आला साथी हुकाम आ रहे हैं और ब्रीफिंग दी जाएगी, तो वो कसीर तादाद में वहाँ पे शरीक हुए। हालांकि मुर्तज़ा जावेद अब्बासी साहब का ताल्लुक जो है वो गलियात के हल्का से है। इससे सबसे ज्यादा फायदा जो है इंटरचेंज का फायदा एबटाबाद और दीगर शहरी इलाके जितने भी हैं उनको होगा, ज्यादा होगा, लेकिन शहरियों ने कोई अहमियत नहीं दी। उससे ये लगता है कि यहाँ के जो हमारे अवाम है उनको अपनी तमीर और तरक्की से कितनी मोहब्बत है। और जिस तरह आपसे पहले भी बात हुई है कि ये एबटाबाद शेरवान रोड जो इंटरचेंज है, ये इंटरचेंज शिमला पहाड़ी टनल के करीब बनाया जाएगा। जी बिल्कुल, और इसमें एक CM जो हमारे महमूद खान साहब थे उनका एक बड़ा दबंग उन्होंने ऐलान किया था 20 करोड़ रुपए का, वो जरा सुनना ले, वीडियो सुन लेते हैं। तो आप लोगों की तरफ से डिमांड्स है, जो यहाँ पर एक लोअर तनावल इंटरचेंज की बात की गई, ये जो आप वहां पर बैठे हुए हैं ये इन पे ड्रामे भी करेंगे और ये कहेंगे कि हमने किया हुआ है, लेकिन ये 20 करोड़ रुपए का है और इस बजट में मैं इसको डलवा दूंगा, ये मेरी तरफ से आपके लिए तोहफा। तो नवीद साहब, आपने जाना वजीर आला साहब क्या कह रहे हैं? तो ये तनावल इंटरचेंज है, इसके लिए जो इलाका तनावल का है इसको मैं 20 करोड़ रुपया दे दूं? नहीं सर, उन्होंने मुश्ताक अहमद गनी साहब जो हमारे स्पीकर है उनके घर आके ये कहा कि जितने भी आपके मुतालबात हैं वो आज मंजूर किए जाते हैं और मैं आपको तनावल के अवाम के लिए एक इंटरचेंज देता हूं और जो 20 करोड़ रुपए जिसकी लागत है और ये मैं आपको तोहफे में देता हूं और ADP में रखता हूं, नेक्स्ट बजट में इसके लिए पैसा रखा जाए। तोहफा कैसा है कोई, वो तोहफा तो देखे, ये तोहफे और हेबे करते करते आज खासकर जिला एबटाबाद जो है उसका हाल बहुत बुरा हो चुका है, लेकिन कुछ उम्मीद की किरण नजर आई है। मुर्तज़ा जावेद अब्बासी साहब के हवाले से लोग कहते हैं कि ये इलेक्शन स्टंट के तौर पर इसे इस्तेमाल कर, देखें इसमें कोई शक नहीं है कि बच्चा बच्चा ये जानता है कि ये कहीं इलेक्शन अब सर पे आने वाले हैं, 6 माह में हो, 5 माह में हो, इलेक्शन तो होने हैं। हाँ जी, आपने ये भी देखा होगा शायद आपके नोटिस में हो कि जब मुर्तज़ा जावेद अब्बासी साहब डिप्टी स्पीकर थे तो उस दौर में अगर ये कोशिश करते तो इसको पाया तकमील तक पहुंचा सकते थे, लेकिन उन्होंने आज उसकी एक वजह भी पेश की है कि NOC जारी ना होने की वजह से जब ये प्रोजेक्ट बन रहा था हजारा एक्सप्रेस वे, यहाँ पे NOC जारी नहीं हुआ, ये इंटरचेंज डिले हो गया। अब अच्छी बात ये है कि हवेलिया और कलंदराबाद ये टोटल डिस्टेंस 22 किलोमीटर बनता है। इसे आप NHA कर रहा है, NHA के साथ वो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसे ये करेगी। जी जी, इस 22 किलोमीटर के अंदर अब जिला एबटाबाद को 3 इंटरचेंज मिल जाएंगे। अच्छा, आपने ये भी देखा होगा हमारे यहाँ एक कमिश्नर साहब गुजरे थे जनाब जैनुल इस्लाम साहब, जी जी, वो भी बड़े ऐलान करते फिर रहे थे जी कि यहाँ से सब्जी मंडी से लेक रोड देंगे। वो भाई मोटरवे को सब्जी मंडी से नहीं मिलाया जाता, मोटरवे को मिलाया जाता है आबादी के साथ, आबादी के साथ, अब आबादी के साथ नहीं मिलाना,
बस वो किसी के कहने पे उन दिनों अवाम के अंदर भी बड़ा एक तजस्स था, एक जस्तजू थी कि हमें इंटरचेंज नहीं मिला, और फिर यही मुखालिफीन सियासी मुखालिफीन एक दूसरे को भड़का रहे थे, वो जी ये हमारा काम नहीं है, ये वफाक का है, वफाक का नहीं है, ये चले आज देखें वफाक ने कर दिया। जैसा कि इसमें एक और चीज है, जैसा कि आपने कहा कि ये तीन इंटरचेंज हो जाएंगे, एक हवेलियां से, हवेलियां से एबटाबाद इस इंटरचेंज तक 9 किलोमीटर, जी जी, और इससे आगे जो कलंदराबाद आता है वो तकरीबन 13 किलोमीटर मेरे ख्याल में बनता है जी, इसके इदाद और शुमार के मुताबिक। और दूसरा ये सराउंडिंग मेरे ख्याल में ये जो टोटल 20 किलोमीटर का एरिया है, 20 किलोमीटर ये भी आपको जब तनावल के साथ ये लिंक किया जाएगा, तनावल शरवान रोड के साथ, शरवान रोड के साथ एक तो ट्रैफिक निकल जाएगी इंटरचेंज से शरवान की तरफ, और एक वहां से टर्न लेगी यही शिमला पहाड़ी वाला जो रोड है, और यहाँ पे ये भी देखना होगा कि ये शिमला पहाड़ी रोड जो है इसको भी बनाना पड़ेगा, करना पड़ेगा, इशारा करना पड़ेगा, ये भी केपीएचई के हवाले है, ये भी खैबर पख्तूनख्वा हाईवे उसको दे दिया है क्योंकि उसके हवाले है। ये भी एक आप जो बात बता रहे हैं ये भी बड़ी अफसोसनाक है, कल को ये सियासी जब आपस में लड़ते हैं तो ये जो खैबर पख्तूनख्वा हाईवे अथॉरिटी है क्या पता ये यहाँ से इजाजत देती भी है या नहीं देती, इसमें भी सियासत हो रही है। इनका जो 20 करोड़ रुपया वजीर अला खैबर पख्तूनख्वा ने ऐलान किया था जी जी, आप उसको वापस नहीं हो, चले सी पैक मरकज बना रहा है जी जी, ये इस पे इंटरचेंज मरकज बना रहा है तो अच्छी बात है, ये 20 करोड़ रुपया अपने शेरवान के लिए जो रोड है शॉर्ट रोड जो है दूसरा रोड निकाल दें, ताकि जो डायरेक्ट हमारा पावा इसके साथ सियाल सरगाल और शहीदाबाद इससे सीधा शेरवान चला जाए, बहुत बड़ी आबादी जो है उससे मुस्तफीद हो जाए, सफरी सहूलियात और ज्यादा, बिल्कुल वो लोग भी गरीब हो जाएंगे जी जी। दूसरा हमारा चिमटी है, क्योंकि आधा बदकिस्मती से लोअर तनावल का जो तहसील शेरवान है खासकर, उसमें आधा हल्का जो आता है वो मानसेरा से आता है जी जी। हमें वहां जाना पड़ता है तो एबटाबाद से होकर जाना पड़ता है, अगर उन रोडों को बना दिया जाए, चिमटी का रोड जो है वो लिंक किया जाए शेरवान के साथ, दूसरा तहसील भी वहां बन गई है, ये इस हवाले से, क्योंकि उन्होंने कहा था कि इसको मैं इस बजट में डालूंगा, पता नहीं उस बजट में डाले या नहीं डाले। अच्छा तीसरा एक और बात भी है कि आज जो ब्रीफिंग में बताया गया है कि इस रोड का अभी PC1 नहीं बना, PC1 नहीं बना है, जो फिजिबिलिटी है वो तैयार हो गई है, जिसकी आज ब्रीफिंग ली गई, आज ब्रीफिंग ली गई है, और इसके ये जो फिजिबिलिटी है इसका टेंडर भी जारी हुआ था, जुलाई में हुआ था मेरे ख्याल में, जुलाई में बिल्कुल। अब देखें 3-4 माह के अंदर बड़ी तेजी से काम शुरू किया गया है, तब फिजिबिलिटी बनी है, तब वो यहाँ पे आए हैं, उन्होंने ब्रीफिंग दी है, PC1 जब तैयार होगा तो उसके बाद जब इस रोड का काम शुरू होगा 6 माह के अंदर इसको मुकम्मल किया जाएगा। अगर 6 माह के अंदर ये मुकम्मल हो गया, हाँ अगर ये देखें कि हमारे यहाँ ये भी होता है ना, जिस तरह वजीर आला साहब कह गए जी कि हमें ADP में डालेंगे, जो काम ना करना हो ना वो हमारे जो कमेटियों या ADP में डाल देते हैं, अगर मुर्तजा जवेद बासी इस मंसूबे को मुकम्मल कर जाते हैं, और ये तनावल के अवाम के लिए भी और एबटाबाद शहर के अवाम के लिए भी, एबटाबाद शहर में ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो माइग्रेट करके आए हुए हैं, गलियात से आए हुए हैं, शिरवान से आए हुए हैं, और मुर्तजा जवेद बासी को खुद भी पता है कि यहाँ एबटाबाद शहर में भी जो गलियात का वोटर है वो कसीर तादाद में, तो मेरे ख्याल में ये उनके लिए नेक शगुन होगा। नेक शगुन, शुक्रिया जी, शुक्रिया नाज़रीन और सामीन, ये थे सीनियर जर्नलिस्ट सरदार नवीद साहब, जिनकी आपने बातें सुनी, जाना एबटाबाद इंटरचेंज के हवाले से, लोअर तनावल शेरवान रोड इंटरचेंज के हवाले से, जो दुबत्तर के मकाम से शिमला पहाड़ी से थोड़ा सा आगे उस जगह से ये बनने जा रहा है, आज जिसकी मुर्तजा जवेद भाई साहब ने ब्रीफिंग ली, नेशनल हाईवे के जिम्मेदारों ने उनको ब्रीफिंग दी, उसमें कसीर तादाद में लोअर तनावल के अवाम बड़ी खुशी से, उन्होंने बड़े जोश जज्बे से शिरकत की, हालांकि एबटाबाद की नुमाइंदगी वहाँ इतनी खास नहीं थी, कुछ लोग वहाँ मौजूद थे, ये अच्छा साइन है, क्योंकि अगर ऐसी चीज़ें बनेंगी तो मुल्क के अंदर तरक्की आएगी, खासकर हमारा एबटाबाद उसके लिए एक इंतहाई ज़रूरी था कि इंटरचेंज मोटरवे की सफरी सहूलियात उनको भी बआसानी मिल जाती, क्योंकि हमारे अगर देखा जाए मानसेरा रोड के ऊपर इतनी ज़्यादा ट्रैफिक, हर वक्त वो रश रहती है, हर वक्त वो रोड ब्लॉक रहती है, अगर ये इंटरचेंज बन जाता है तो इससे पूरे शहर को बिला तफरीक जो है वो फ़ायदा होगा, ख्वाह वो तनावल है, ख्वाह वो गलियात है, एबटाबाद है या दीगर मजाफात हैं। इसको बाज लोग जो इस सेंस के कह रहे हैं कि ये इलेक्शन स्टंट के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, तो उम्मीद हम ये करते हैं मुर्तजा जवेद भाई से, क्योंकि जिस वक्त ये डिप्टी स्पीकर थे उस वक्त भी इनको बाहर आ गया, इन्होंने भी उस हवाले से बड़ी कोशिशें की कि हम इसको बनाएंगे, मगर आज अल्लाह ने फिर इनको मौका दिया है, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, उनको भी ये मौका था, क्योंकि उन्होंने तो सारे जो तरक्याती काम है खासकर सी पैक के हवाले से वो बंद कर दिए थे।
और वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का 20 करोड़ रुपया तनावल के अवाम और एबटाबाद के अवाम को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो ऐलान किया था, तोहफा दिया था एबटाबाद को कि 20 करोड़ रुपया अगर एबटाबाद वाले नहीं ले रहे तो कम अज कम तनावल के मजीद जो रोड है पासमानगी है उसके खात्मे के लिए आप आवाज बने, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसमें जो बात आप अपनी करना चाहते हैं इसके ऊपर हम फिर प्रोग्राम में करेंगे, उसमें अगर आपका कोई सवाल है तो इसे कमेंट के जरिए आप इजहार कर सकते हैं। उम्मीद ये करते हैं कि मुर्तजा जावेद अब्बासी इसको बतौर इलेक्शन स्टंट इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये रियल तरक्की होगी, जैसा कि उन्होंने आज कहा कि जिस वक्त ही इसका पीसी बन तैयार होगा उसके बाद 6 माह के अंदर अंदर ये रोड कंप्लीट हो जाएगा, ये इंटरचेंज कंप्लीट हो जाएगा, एबटाबाद शहर के अवाम को ये सहूलत जो है सफरी सहूलत बआसानी मैसर आ सकेगी। फिर मिलते हैं किसी नए प्रोग्राम के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।